है एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग जगह जो कि होने वाली बहुत एक कहते हैं जी जिससे कि वर्ल्ड सेवन वंडर्स में इंक्लूड है ये चीज़। तो आपको दिखाने वाले हैं ताजमहल आज, और ताजमहल के वेस्ट गेट से हम एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ पे चार गेट हैं टोटल एंट्री के लिए, जिसमें से ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। साउथ नॉर्थ आर क्लोज्ड एंड वी आर एंट्रिंग फ्रॉम वेस्ट गेट, एंड आपको दिखाने वाले हैं अंदर से कि एंट्री कहाँ से होती है, टिकटिंग काउंटर, एवरीथिंग और ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ताजमहल। सो बने रहिए, दिखाते हैं आपको ताजमहल का अद्भुत नज़ारा अंदर से। सो गाइज, फाइनली टिकट काउंटर से टिकट हमने नहीं लिया है। सो आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर कमिंग टू ताजमहल, ऑनलाइन टिकट बुक कीजिए और भीड़ जो लाइन में लगने का झंझट है उससे हम बच सकते हैं। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था टिकट काउंटर पर आप भीड़ देख सकते हैं। सो हमने इसको देख के हमें अच्छा लग रहा है कि चलो ऑनलाइन हमने टिकट बुक कर लिया है, क्योंकि बहुत सी चीज़ है। तो आप देख सकते हैं ताजमहल के लिए देखने के लिए भीड़ कम से कम शायद ऐसा लग रहा है 1000 लोग लाइन में लगे हुए हैं देखने के लिए। ये वो जिन्होंने टिकट ले लिया है और तकरीबन आधे घंटा वेट करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यार, ताजमहल में एंट्री करना अपने आप में एक चैलेंज है, तो फाइनली यहाँ तक तो आए हैं। बाहर की जो दीवारें हैं ताजमहल से पहले की, वो रेड स्टोन से बनी हुई हैं, और यार ये अभी भी बहुत ही मेंटेन की हुई हैं और काफ़ी अच्छे से इनको रखा गया है। बस फिर से यार, दिस गेट इज़ रियली फैसिनेटिंग। तो यार ये टोटली मुग़ल आर्ट है, मुग़ल काल में शाहजहां ने बनवाया था इसे। इसका जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, इसके पीछे इसका क्रेडिट जाता है उस्ताद अहमद लाहौरी को, जिन्होंने यार बहुत खूबसूरती के साथ इसको डिज़ाइन किया है, और बहुत टेक्निकल चीज़ें इसमें देखी जा सकती हैं। तो टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो टोटल एरिया इसका है 17 हेक्टेयर, जो कि अगर हम एकड़ में कैलकुलेट करें तो इट बिकम्स 42 एकर। तो यार बहुत बड़े एरिया में ये बना हुआ है, तो उसको देखने के लिए हमें कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तो यार जैसे भी ताजमहल के गेट के लिए हम एंटर होने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये बहुत बड़ा सा गेट देखने को मिलता है जिस पे कि कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इन पे बहुत ज़्यादा सेमी प्रेशियस और प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए थे। बट जब ये बना था 1653 में ये बन के कम्प्लीट हुआ था, तो उस दौरान इसको बहुत ही प्रेशियस स्टोन से सजाया गया था ताजमहल को। कुछ स्टोन्स यहाँ भी थे सेमी प्रेशियस स्टोन्स, बट अंदर जो थे प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए थे। जो वाइट वाला मार्बल वाला पार्ट है ताजमहल का, उसके ऊपर तो देख सकते हैं यार ये बहुत ज़्यादा बड़ा गेट है, और यहाँ से लोगों की एंट्री करते हुए एक बार पास से दिखा देता हूँ जो कुरान की आयतें इस पर लिखी गई हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरती से यार इनको लिखा गया है, तो मार्बल के ऊपर इसको लिख करके और यहाँ लगाया गया है, आप देख सकते हैं पास से। गाइस फाइनली द वेट इज़ ओवर, आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत। तो यार ताजमहल को जब देखते हैं हम फर्स्ट टाइम, तो बहुत ज़्यादा रूहानियत हमें फील होती है। और फाइनली आपके सामने है वो खूबसूरत 8वां अजूबा दुनिया का, ब्यूटीफुल यार। What an amazing beauty, guys! यार रोंगटे खड़े कर देने वाली खूबसूरती है इसकी, वाकई में इतने ज़्यादा लोग इसे देखने आते हैं जिस सिर्फ इसकी खूबसूरती को नहीं आने के लिए। जब ये बना होगा तब कितना खूबसूरत होगा, अभी इसकी खूबसूरती को देखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा यार ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी दुनिया में आ गए हैं। ताजमहल एक वाकई में एक अलग ही दुनिया है अपने आप में। इससे खूबसूरत चीज़ मैंने आज से पहले नहीं देखी, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरीन। अभी देख सकते हैं यार नज़रें भी इतनी ऊपर नहीं जा रही हैं, इतनी ऊंचाई पे इनके गेट बनाए गए हैं। तो देख सकते हैं एक उस टाइम पे एक पहले मोटर्स नहीं होती थी फंवारे में,
तो ये फुहारे ऐसे बनाए गए हैं कि इनके अंदर मतलब नेचुरल प्रेशर आता है, और आप देख सकते हैं अभी भी उसी तरह चलते हैं, इनमें कोई मोटर लगी हुई नहीं है जिससे कि ये वर्क कर रहे हैं। स्टिल इट्स इन वर्किंग कंडीशन। उसको इस तरह डिज़ाइन किया गया था जिससे पानी का प्रेशर इसमें होता था तो ये फुहारे अपने आप चालू हो जाया करते थे। और पूरे ताजमहल के सामने इस गार्डन को इस तरह बनाया गया, देखिए। और ताजमहल को बनाया गया था 1621 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, बट ये जो गार्डन है इसको इसके 10 साल बाद 1631 में डेवलप किया गया था। तो ताजमहल को टोटल बनने में लगे थे 22 ईयर्स एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 1653। 22 साल में 20,000 वर्कर्स ने इसको बना के तैयार किया था, और उस टाइम पे 3.5 करोड़ रुपीज़ इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई थी, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है यार। तो यार नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इसी प्रॉपर्टी दोबारा बना पाना। शाहजहाँ ने 1621 में इसका काम स्टार्ट करवाया था और अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए बनाया था, जिसके नाम पे ही ताजमहल का नाम रखा गया। सर अब रहा नहीं जा रहा, इसको पार से देखना ही पड़ेगा, तो इसके पास चलेंगे और इसके अंदर जो फैक्ट्स हैं और जिस तरह इसको मीनारों को बनाया गया है इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको बताएंगे। तो यार ऐसा माना जाता है कि ताजमहल को बनाने वाले जो मज़दूर हैं, जितने भी मज़दूर थे, शाहजहाँ ने उनके हाथ कटवा दिए थे, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है हिस्ट्री में और सिर्फ ये एक अफवाह ही है। 17 हेक्टेयर इसका टोटल एरिया है, जो कि बहुत बड़ा एरिया होता है। इसमें इसको बनाया गया है और ये इसकी एंट्री गेट जहाँ से हम आए हैं। इस तरह से अपने हाथों में कैद करना चाहते हैं ताजमहल को। तो यार ये ऐसी ब्यूटी है जो हर किसी को अट्रैक्ट करती है, हर एज ग्रुप को, हर इंसान, कोई इंसान ऐसा नहीं जो उसको ना पसंद करे, हर एक इंसान को ये चीज़ पसंद आने वाली है। सर ताजमहल के पास में एक मस्जिद भी बनी हुई है, तो वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो मस्जिद में जो नमाज़ है आज भी होती है फ्राइडे को, बट ओनली फ्राइडे ही होती है, उसके अलावा कोई नमाज़ नहीं होती है। तो यार शाहजहाँ की एक ज़िद थी कि उनको ताजमहल जो था यमुना के किनारे ही बनवाना था, तो सबसे बड़ा चैलेंज उसके साथ में यमुना के साथ में इसको बनाने का था कि इसको मजबूती, इसकी जो फाउंडेशन है उसको मजबूती देना एक, तो इसको मजबूती देने के लिए 900 कुओं का एक स्किन जो फाउंडेशन है, जो मेन बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने मार्बल की, 900 कुओं को खोदा गया। कुओं को खोदने के बाद में उसको भरा गया चूने से और अदर मटेरियल से, ताकि इसकी नींव को और इसके फाउंडेशन को मजबूती मिल सके और इसका जो लाइफ है वो लंबी हो सके। और ये टॉम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बड़ी है, साथ में ये मीनारें एक मस्जिद की तरह बना हुआ है यार। ये द डिज़ाइन इज इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड मुग़ल आर्किटेक्चर, और इसको बनाया गया था मकराना से और राजस्थान से, जो मार्बल सुपर फाइन क्वालिटी का मार्बल होता है वो यहाँ से वहाँ से लाके बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मार्बल लाया गया होगा यार, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मार्बल का इसमें यूज़ हुआ है। और जो मीनारें हैं वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, जो मेन बिल्डिंग है उसके साथ साथ इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती हैं। क्या खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है यार, सीरियसली कैमरे के फ्रेम में भी नहीं आ रही, इतना बड़ा साइज है इसका। सर इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि इसको चारों दिशाओं में सब जहाँ से भी देखेंगे इट लुक सिमिलर, जैसा लुक फ्रंट से ही है वैसा लुक बैक साइड से भी और लेफ्ट और राइट साइड से भी आपको सेम देखने को मिलेगा, आप नोटिस कर सकते हैं। हालांकि मेरा एंगल थोड़ा सा तिरछा है क्योंकि मैं मिड में नहीं हूँ बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं। मस्जिद और जमात खाना, तो यार ये मस्जिद बनाई गई थी ताजमहल के साथ साथ जो वेस्ट साइड में बनी हुई है, तो ये नमाज के लिए बनाई गई थी और अभी भी इसमें नमाज होती है फ्राइडे ओनली। और रेड स्टोन और संगमरमर से बनाया गया है, इसका जो एडिशनल पार्ट है मस्जिद का, और ये बाकी दिखाते हैं मस्जिद का एंट्रेंस और अंदर चल के देखेंगे मस्जिद के व्हाट्स इनसाइड। ओह माय गॉड, ये भी यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो यार पिछली बार मैंने ये मिस कर दी थी, देख सकते हैं जमात के लिए ये बने होते हैं जहाँ पे लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये होता है एक हर एक इंसान के लिए ऐसा बना हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और सफ़े बनी होती हैं, फर्स्ट लाइन देन सेकंड लाइन एंड देन थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन। तो यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है यार ये, तो
यार बड़ी फैसिनेटिंग सी चीज़ है इसको देखने का यार, जितनी बार देखो उतना कम है। हालांकि मैंने 4 बार ऑलरेडी देख चुका हूँ और यहाँ से भी ताजमहल का लुक आप देख सकते हैं। ताजमहल से जस्ट पास में मस्जिद बनाई गई है, जो ये मेंबर है जहाँ पे इमाम साहब खड़े होकर खुतबा वगैरह पढ़ते हैं, जो कि आज भी पढ़ा जाता है। सो स्कूल के कुछ बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। यू वॉन्ट टू से समथिंग? हाउ इज इट? हाउ इज द ताजमहल? ब्यूटीफुल। वेर आर यू फ्रॉम? बाराबंकी। ओके, सो यू केम डायरेक्टली टू आगरा? ओके ओके, सो एंजॉइंग द ताजमहल राइट? सो गाइज यहाँ पे स्कूल के कुछ किड्स आए हुए हैं एंड दे आर रियली एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। एंड गाइज मेरा काशिफ हाशमी ब्लॉग्स के नाम से चैनल है, इफ़ यू वॉन्ट टू सी योर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल हु एवर इज़ वॉचिंग द वीडियो, आप यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह आगे भी वीडियो दिखाई जा सके, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। आपके लाइक सब्सक्राइब भी हैं जो मुझे मोटिवेशन देते हैं। यमुना नदी यार बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है और इंडस्ट्रीज़ को कोर्ट ने नोटिस भी दिया था, क्योंकि ऐसी ड्रेन हुआ था जिसकी वजह से ताजमहल को बहुत नुकसान पहुँचा था। उसके बाद इसको दोबारा से कुछ मेंटेन करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए थे और इसकी जो वाइटनिंग है वो येलो हो गई थी। और यार ये जो ताजमहल है संगमरमर से बना हुआ है, तो इसका जो कलर है वो चेंज होता है, येलो कभी हो जाता है, मतलब सनलाइट जब आप मॉर्निंग में आएंगे या सनसेट के टाइम पे आएंगे तो इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट लुक्स सिमिलर आप कहीं से भी देखेंगे। तो ये है इसकी एक टेक्निकलिटी कि आप कहीं से भी इसको देखें, इट लुक्स सिमिलर फ्रॉम ऑल दी फोर साइड्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इट लुक्स सिमिलर। तो यार संगमरमर से बनी हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जो कि 1983 में इसको जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें इंक्लूड किया गया था और 2007 में इसको 8th वंडर डिक्लेयर किया गया है। तो ताजमहल में जाने के लिए देख सकते हैं ये कवर मिलते हैं कपड़े के, जो कि 10 रुपये में या वेंडिंग मशीन से भी ले सकते हैं, या यहाँ पे बेचने वाले भी घूमते रहते हैं उनसे भी ले सकते हैं। तो मैंने ये 10 रुपये में लिया है। तो यार ये पहनना ज़रूरी है, क्योंकि ताकि इसकी जो ब्यूटी है उसको नुकसान ना पहुँचे हमारे पैरों की गंदगी से। खैर ओरिजिनल मकबरे के मकबरे में हम अंदर गए, बट फोटोग्राफी वाज नॉट अलाउड, तो फोटोग्राफी हम नहीं कर पाए, तो आपको नहीं दिखा पाएंगे मकबरा। और मकबरा जो है रेप्लिका ही देखने को मिलता है, मुझे लगा था शायद नीचे जाने का टिकट हमें मिल गया है, बट 200 रुपये जो लगते हैं वो सिर्फ ऊपर जो रेप्लिका बना हुआ है, जो डमी बना हुआ है मकबरे का, सिर्फ उसी को देखने के 200 रुपीज़ हैं। साल में एक बार खोला जाता है जो ओरिजिनल मकबरा उसको। तो ये बहती हुई नमी ना यमुना नदी, जो दिल्ली से बहती हुई आगरा होते हुए बहुत लंबी नदी बहती है। और ये है ताजमहल, इसके ठीक पीछे इसको बनाया गया है और यहाँ फेंसिंग की गई है। तो जो लोग नीचे आप देख रहे हैं उन्होंने शायद टिकट नहीं लिया होगा, ऊपर के लिए टिकट है, नीचे अगर आपको देखना है नीचे से तो देर इज़ नो टिकट, एडिशनल टिकट फॉर दिस 60 रुपीज़ इज दी एंट्री फीस, जो कि आप एंट्री देकर अंदर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं ताजमहल के तीनों तरफ ये लाल पत्थर से, एक तरफ वेस्ट साइड में बनी हुई है मस्जिद और ईस्ट साइड में भी ऐसा, ये भी एक मोस्क की तरह ही बना हुआ है। और सामने जहाँ से हम एंटर हुए थे तीन साइड बने हुए हैं गेट्स,
और जस्ट पीछे नॉर्थ साइड में यमुना नदी बहती है, और साउथ साइड से जो गेट आप देख रहे हैं, साउथ साइड से गेट है। यहाँ पे अरबी में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं पूरा अंदर से लेके बाहर तक, दीवारों के ऊपर और गेट्स पे अरबी में लिखा गया है। कुरान की आयतें होती हैं उनको, और ये बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत इन्होंने जिसने भी इसको लिखा हुआ है, और बहुत पहुँचे हुए कारीगर होंगे जिन्होंने इसको लिखा हुआ। और ये देख सकते हैं आप सामने का नज़ारा। तो गाइस मेरे पीछे है ताजमहल, हम ताजमहल से विदा लेते हुए, हालांकि मन नहीं कर रहा है इसको छोड़ के जाने का, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार मेरे मोटिवेशन के लिए, अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूँ और आपको दिखाता रहूँ, तो प्लीज़ मुझे यार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। तो जिस गेट से आए थे उसी गेट से हम एग्ज़िट करेंगे।